करवाएंगे सलमान, सबसे पहले तो मोहरमी की इनिंग्स के बारे में बताइए जो अंडर प्रेशर इन्होंने खेली। आई थिंक एज यू सेड इट्स बीन आउटस्टैंडिंग और ज़बरदस्त खेले हैं, स्पेशली जितना अर्ली विकेट्स के बाद प्रेशर था और आई थिंक जितना क्रेडिट दिया जाए इस इनिंग्स का कम है बिकॉज मोर देन हाफ ऑफ द टोटल उसने स्कोर किया और जिस तरीके से किया अपने स्ट्रोक्स को खेला बड़े खूबसूरत स्ट्रोक्स से। टूर्नामेंट के आगाज में एक डिटर्मिनेशन होती है पंजाब प्लेयर में, इस हवाले से हम बात करेंगे, लेकिन एक विकेट का नुकसान उठाना पड़ा है पंजाब की टीम को यहाँ और ये उमर अमीन ही है जो बहरहाल हिम्मत हार गए और सही बनता भी है उनका क्योंकि 150 रन स्कोर कर चुके हैं और टीम के लिए काफी कॉन्ट्रीब्यूशन कर चुके हैं। ये बड़ा ही जबरदस्त बॉल आमिर अमीन का जब तक 4 विकेट ले चुके हैं और उमर अमीन क्रीज की जानिब वापस जाते हुए जबरदस्त इनिंग्स उमर अमीन की जानिब से और उमर अमीन को कॉन्ट्रीब्यूट इस इनिंग्स का मिलना ही चाहिए लेकिन साथ साथ हम गुफ्तगू कर रहे हैं सलमान बट से। तो सलमान से मैं ये जानना चाहूंगी कि जब टूर्नामेंट का आगाज होता है जिस तरह उमर अमीन ने किया तो एक डिटर्मिनेशन होता है प्लेयर्स में, लेकिन उसे बरकरार रखने के लिए थोड़ा सा फीडबैक, थोड़ा सा चांसेस आपके इंक्रीज होंगे इंटरनेशनल खेलने के लिए, वो ज्यादा जरूरी होते हैं ताकि आप फोकस्ड रहें क्रिकेट पर? आई थिंक डेफिनेटली जो भी प्लेयर्स ऐसे होते हैं जो इन लाइन होते हैं फॉर सिलेक्शन और जो और बट आई थिंक आप यू कैन स्कोर हैवीली बट यू कैन नॉट स्कोर इन एवरी गेम सो दिस हैपेंस और इफ यू बिलीव कि किसी में एबिलिटी है।